इस अंग्रेजों के बनाए गए व्यवस्था तंत्र में भारत के कई ईमानदार लोग गए और सिस्टम ने उनको बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो लूट पसंद नहीं थे। सिस्टम ने फेंक दिया उनको बाहर, नहीं चलने दिया। दो नाम तो आपके सामने है, एक थे श्री लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे श्री मुरारजी देसाई। दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो धोती फटी हुई थी उनकी, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी। और पता चला कि उनके पास दो ही धोतियां थी और दो ही कुर्ते थे जब वो प्रधानमंत्री बने। तो किसी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने क्या उनकी धर्मपत्नी ने कहा था, अब तो नई धोती ले लो। तो उनका ये कहना था कि करोड़ों भारत के किसान फटी हुई धोती जब तक पहनते रहते हैं, मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जब घुसे सिस्टम में, तो सिस्टम ने उनको बर्दाश्त नहीं किया, निकाल के फेंक दिया, मार डाला, हत्या कर दी उनकी। अब तक सारी दुनिया को यह बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी हृदयघात से, और मैं बीसियों साल से ये चिल्ला रहा हूं। मेरी पुरानी कैसेट अगर आप पढ़ सुन लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो मरे नहीं थे, हत्या की गई थी उनकी, मर्डर था। क्योंकि रूस में ताशकंद में जब वो गए पाकिस्तान से समझौता करने के लिए, तो शाम तक वो स्वस्थ थे और रात को अचानक से मर गए। तो भारत में जब रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो ये कहा गया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक उनको हो नहीं सकता, क्योंकि बीपी उनका नॉर्मल था, शुगर उनको थी नहीं, ब्लड प्रेशर उनको था नहीं, हाइपरटेंशन था नहीं, हाइपोटेंशन था नहीं, शुगर थी नहीं, अटैक हो ही नहीं सकता। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल थे। जब वो गए थे तो उस समय उनके सारे चेकअप हुए थे, उसकी रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज है, वो सब मैंने देखी है।